फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट ट्यूटोरियल एकेडमी। आप नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक का नाम है हीट एंड वर्क। अब हीट एंड वर्क क्या होते हैं? दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। पहले तो आपको बता दें, हीट और वर्क दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन का मतलब क्या है? ये दोनों पाथ पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पाथ फंक्शन। मतलब हीट और वर्क क्या है? दोनों पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। हीट को ही बोलते हैं और वर्क को ही बोलते हैं। मतलब यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में जो हम हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे वो जनरली दो कंडीशन से पढ़ेंगे, या तो हीट के फॉर्म में या फिर वर्क के फॉर्म में। तो हीट या वर्क के फॉर्म में पढ़ेंगे तो इसके दोनों चीजें जो होती हैं ये पाथ फंक्शन होती हैं। ये पाथ फंक्शन देखो ग्राफ में जिनको हम पाथ से रिप्रेजेंट करें उसको पाथ फंक्शन बोलते हैं, और जिनको हम ग्राफ में पॉइंट से रिप्रेजेंट करें उनको हम लोग पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। तो अभी मैं आपको दोनों बताता हूँ कि पाथ फंक्शन क्या होते हैं और दोनों पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं। देखो, तो पहले बात करते हैं पाथ फंक्शन की, फिर हीट और वर्क आएगा ना। पाथ फंक्शन देखो, पाथ फंक्शन क्या होता, मतलब अगर कोई ग्राफ है, हमने जैसे एक पीवी ग्राफ ले लिया, ये ले लिया पीवी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ले लिया, प्रोसेस वन है प्रोसेस टू है, प्रोसेस वन से टू गए आप। तो देखो, अब मैं आपसे पूछूं कि वन से टू प्रोसेस में आप गए, इसका एरिया निकालिए, मतलब इसका वर्कडन निकालिए। तो वर्कडन क्या होता है? इस प्रोसेस के अंदर जितना भी ये ग्राफ बन रहा ना, इसका एरिया, ये वर्कडन होता है, ये होता है इसका वर्कडन। मतलब इसका अगर हम आपसे वर्कडन पूछें तो वर्कडन क्या होगा? तो मैं आपसे पूछूं कि वन से टू का वर्कडन क्या है, तो वर्कडन क्या होगा? एरिया ऑफ द ग्राफ। अगर आपका इसको वर्कडन निकालना है तो वर्कडन कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ से आप निकाल लेंगे वर्कडन। अब वैसे वर्कडन का जनरली जो फॉर्मूला होता है, W इक्वल टू होता है पी इंटू डीवी, और इंटीग्रेशन भी लगाते हैं पी इंटू डीवी। अगर आपको लगाना तो टोटल वर्क आ जाता है पी इंटू डीवी, यहां से निकाल लेते हैं। लेकिन हमें मतलब वर्क निकालना हो तो वर्क कैसे निकालेंगे? इससे इस पर निकालेंगे अपन कैसे? एरिया ऑफ द ग्राफ। तो हीट और वर्क दोनों पाथ फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड करते हैं, पॉइंट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड करते हैं। फिर दूसरा हम बताते हैं आपको पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं। पॉइंट फंक्शन देखिए, पॉइंट फंक्शन की अगर हम बात करें तो हीट और वर्क पाथ फंक्शन हो गए। पाथ फंक्शन क्या हो गया? हीट और वर्क, हीट एंड वर्क, ये हो गए पाथ फंक्शन। अभी हमें जो पढ़ना है हीट और वर्क क्या हो गए? पाथ फंक्शन। अब पॉइंट फंक्शन की बात करते हैं। देखिए, जैसे पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम है, जैसे मैं बात करूं वन पॉइंट पर प्रेशर है पी वन, वॉल्यूम है वी वन, टेम्परेचर है टी वन, और हाँ कोई भी टू पॉइंट हुआ और टू पॉइंट पर प्रेशर है पी टू, टेम्परेचर टी टू, वॉल्यूम वी टू। तो इस कंडीशन में प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर, ये क्या हो गए आपके? पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन वह फंक्शन होते हैं जिन्हें ग्राफ में हम पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकें। पॉइंट फंक्शन वह फंक्शन होते हैं जिन्हें हम ग्राफ में पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकें, उन्हें बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। पाथ फंक्शन वो होते हैं जो पूरे पाथ पर डिपेंड करते हैं। सिस्टम अगर जो भी ग्राफ बना हुआ है उसे पूरे पाथ पर डिपेंड करे उसे हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। और जो पॉइंट पर डिपेंड करे, मतलब जिन्हें ग्राफ में जिनको हम पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकें, उसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट फंक्शन। जैसे वन पॉइंट पर हो गया और यहाँ के टू पॉइंट होगा अगर, तो टू पॉइंट पर प्रेशर टी टू हो गया, वॉल्यूम टी टू हो गया, टेम्परेचर टी टू हो गया। तो मतलब ग्राफ में जिनको हम पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकें, उन्हें हम बोल देते हैं पॉइंट फंक्शन। और जिन्हें ग्राफ में पाथ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकें, जिन्हें पाथ पूरा एरिया कैलकुलेट करना पड़े उन्हें निकालने के लिए, उन्हें बोलते हैं हम लोग पाथ फंक्शन। अब फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि वर्क क्या होता है, हीट क्या होता है। देखिए, यहाँ पे मैं बताया कि एनर्जी इंट्रैक्शन होगा या एनर्जी जो ट्रांसफर होगी थर्मोडायनेमिक्स में वो किस फॉर्म में हो सकती है? या तो हीट के फॉर्म में या फिर वर्क के फॉर्म में। तो यहाँ पे एनर्जी जो ट्रांसफर होगी या तो हीट के फॉर्म में होगी या फिर वर्क के फॉर्म में। तो आपको मैं बताता हूँ कि हीट के फॉर्म में होगी और वर्क के फॉर्म में होगी, तो क्या साइन कन्वेंशन क्या है, मैं इसको रब करके आपको बता। देखिए, अब आप देखेंगे यहाँ पे वर्क क्या होता है। देखिए, मैं वर्क बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले वर्क की कंडीशन बता दूं। वर्क, अब वर्क दो तरह से होता है। देखिए कैसे, एक सिस्टम मैंने लिया, ये सिस्टम है, आप थोड़ा ध्यान रखना। अगर सिस्टम वर्क कर रहा हो, मतलब सिस्टम अगर वर्क कर रहा हो तो हमें पॉजिटिव लेना है। मतलब सिस्टम इतना कैपेबल है कि वो वर्क कर सकता है, तो अगर सिस्टम करे वर्क, अगर कोई वर्क सिस्टम कर रहा हो तो उसको लेते हैं हम लोग पॉजिटिव। क्या लेते हैं उसको? पॉजिटिव। ध्यान रखना कि अगर सिस्टम वर्क कर रहा हो तो उसको आप लेंगे पॉजिटिव। ध्यान रखना है कि वर्क, अगर सिस्टम वर्क कर रहा हो तो उसको आपको लेना है पॉजिटिव, और अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा हो, मतलब सिस्टम पर करना पड़ रहा हो वर्क, सिस्टम पर वर्क हो रहा हो तो उसको लेना है नेगेटिव। मतलब कहने का है
कि अगर वर्क सिस्टम कर रहा हो तो सिस्टम इतना कैपेबल है कि वो वर्क कर रहा है, तो उसको आपको लेना है पॉजिटिव साइन, ध्यान रखना। और अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है मतलब सिस्टम कैपेबल नहीं है, जब सिस्टम कैपेबल नहीं होगा तो उस पर वर्क करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में जो वर्क होता है उसे आपको लेना है नेगेटिव, उसे आप लेंगे नेगेटिव कि सिस्टम कैपेबल नहीं है वर्क करने को, तो उस कंडीशन में जो वर्क होगा उसको लेंगे आप नेगेटिव साइन के साथ। ध्यान रखना है कि अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव, और अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो नेगेटिव, सिस्टम पर अगर वर्क होगा तो नेगेटिव। अब इसी तरह से हीट का जो कॉन्सेप्ट है, हीट का और मैं बता देता हूँ, हीट का कॉन्सेप्ट इसका जस्ट अपोजिट है। देखिए हीट का कॉन्सेप्ट अपोजिट है, ये थोड़ा समझ लीजिए। हीट का देखें सेकंड इसी में आता वर्क के बाद आता है हीट। अब थोड़ा हीट देख लीजिए, हीट देखिए, ये भी सिस्टम ले लें, ये सिस्टम ले लिया बनने दो। अब हीट का कॉन्सेप्ट है कि अगर सिस्टम में हीट आ रही है तो इसको लेते हैं हम लोग पॉजिटिव। अगर सिस्टम में हीट आ रही है, सिस्टम के पास हीट थी, ठीक है, लेकिन और हीट मिल गई उसको, एक्स्ट्रा हीट मिल गई, तो क्या हो, हीट लेंगे अपन पॉजिटिव। आपके पास 10 रुपीज थी, 5 और दे दिए तो 15 हो जाएंगे। इसी तरह से अगर सिस्टम में हीट थी, आपने उसमें और हीट दे दी, तो उस कंडीशन में जो हीट का साइन कन्वेंशन होता वो रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम में आपने हीट दे दी, सिस्टम को हीट मिल गई, तो उस कंडीशन में जो साइन कन्वेंशन होता है वो होता है पॉजिटिव। इस सिस्टम को हीट मिल चुकी है तो साइन कन्वेंशन होगा पॉजिटिव, ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सिस्टम से हीट बाहर चली जाए तो उसको लेते हैं हम लोग नेगेटिव। आपके पास 10 रुपीज थे, 5 आपने दे दिए, तो आपके पास 5 ही बचे, मतलब आपके नेगेटिव हो गए, कम हो गए। तो सिंपल से कहने का है कि अगर सिस्टम में हीट आएगी तो उसको आप पॉजिटिव लेंगे, और अगर सिस्टम से हीट बाहर जाएगी तो उसको आप नेगेटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना कि सिस्टम में अगर हीट आई तो पॉजिटिव, और सिस्टम से अगर हीट बाहर जा रही तो उसको लेना है आपको नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना। तो दो चीजें, दो तरह के कॉन्सेप्ट मैंने बताया। पाथ फंक्शन क्या होता है, जो ग्राफ में पूरे पाथ पर डिपेंड करे उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन, और जो ग्राफ में पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सके जिन्हें, उन्हें बोलते हैं हम लोग पॉइंट फंक्शन। अब फिर हीट का कॉन्सेप्ट और वर्क का, तो वर्क का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है या सिस्टम वर्क कर रहा हो तो सिस्टम खुद कैपेबल रहेगा, तो उसका वर्क लेंगे पॉजिटिव, और अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा हो तो उसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव। हीट में उल्टा है, हीट में जस्ट अपोजिट है। हीट में क्या लेना है कि सिस्टम में अगर हीट आ रही है तो पॉजिटिव लेना है, और सिस्टम से बाहर अगर हीट जा रही है तो उसको नेगेटिव लेना है। तो ये हीट का कॉन्सेप्ट है कि इसी हीट अगर बाहर जाएगी तो नेगेटिव, और अगर हीट सिस्टम में आएगी तो उसको पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना। ये साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इस पे न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, 2019 में पूछा गया है, IAS 2019 में क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं 2019 का, ये है 2019 का क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है सर्टेन क्वांटिटीज कैन नॉट बी लोकेटेड ऑन ग्राफ बाय पॉइंट, व्हाट पॉइंट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कुछ क्वांटिटी को हम ग्राफ पे, व्हाट आर गिवन बाय द एरिया अंडर द कर्व करस्पॉन्डिंग टू द प्रोसेस। लेकिन जो हमें एरिया कर्व गिवन है, उस कर्व के अंदर जो एरिया है, उसके नीचे एरिया है, उसके द्वारा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कह रहा है दीज क्वांटिटीज इन कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स आर कॉल्ड, क्या कॉल्ड होंगी, पाथ फंक्शन। क्या होंगी, चार ऑप्शन के मैंने आपको, साइक्लिक फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, रियल फंक्शन। तो पाथ फंक्शन क्यों, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि हीट और वर्क जो होते हैं वो पाथ पे डिपेंड करते हैं, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं वो क्या होते, पाथ फंक्शन। तो ये 2019 IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये पाथ फंक्शन है। इसी तरह से पॉइंट फंक्शन भी पूछ लेता है, पॉइंट फंक्शन मतलब जिन्हें हम प्लॉट पे या जिन्हें हम पीवी डायग्राम में, जिन्हें भी हम डायग्राम में या जिन्हें हम ग्राफ पर पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकें, उनको हम बोल देते हैं पॉइंट फंक्शन, सिंपल सी बात। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, मैंने आपको IAS 2019 का क्वेश्चन बताया। एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो आपसे पूछ रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, ये IAS 2016 में आया है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। देखो ये IAS 2016 में आया है क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम आ पाथ फंक्शन, आ पॉइंट फंक्शन, और क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, आ क्वांटिटी विच चेंज व्हेन सिस्टम अंडरगोज साइकिल। तो इस तरह का आपको बताना है, तो आप फिर से देख लेना एक बार इसको, कि प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज आ पॉइंट फंक्शन, आ पाथ फंक्शन,
और आ पॉइंट फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज जो होती है थर्मो डायरेक्शन में वो क्या होती है, पॉइंट फंक्शन होती है, क्योंकि उनको हम पॉइंट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर्टी मतलब प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंट्रोपी होगी, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन थर्मो डायरेक्स में, पॉइंट के द्वारा। तो इसको अपन बोल देते हैं पॉइंट फंक्शन। क्या बोल देते हैं इनको, पॉइंट फंक्शन। ध्यान रखना है आपको, जो पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट इन्हें कर सकें। तो ये 2016 में आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन कि द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज आ पाथ फंक्शन, आ पॉइंट फंक्शन, आ क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, और आ क्वांटिटी विच चेंज व्हेन सिस्टम अंडरगोज अ साइकिल। चार ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन है पॉइंट फंक्शन ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रॉपर्टीज मतलब इसमें प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब प्रॉपर्टीज हैं, और ये किस पर डिपेंड करती है, सिंपल सा पॉइंट ग्राफ में मैंने अपन पॉइंट पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। ये 2016 में पूछा था, तो मैंने आपको इसका दोनों का एक एक क्वेश्चन बता दिया है, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन का। तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन इसे जरूर पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन आया है 2018 में, देखिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर। सभी प्रेशर और टेम्परेचर पर ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर। सभी प्रेशर और सभी टेम्परेचर, ऑल प्रेशर और ऑल टेम्परेचर पे ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, चार ऑप्शन आपको गिवन है, जिसकी क्या हो स्पेसिफिक हीट जो हो वो कॉन्स्टेंट हो, स्पेसिफिक हीट जो हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर। सभी प्रेशर और टेम्परेचर पर जिसकी स्पेसिफिक हीट जो हो वो कॉन्स्टेंट हो, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है। तो ऐसा सब्सटेंस इसमें ऑप्शन है मोनो एटोमिक गैस, डाई एटोमिक गैस, ट्राई एटोमिक गैस और पॉली एटोमिक गैस। तो इसका जो आंसर है वो है मोनो एटोमिक गैस। मोनो एटोमिक गैस की जो मोनो एटोमिक गैस की स्पेसिफिक हीट है वो सभी प्रेशर और टेम्परेचर पर सेम होती है। मोनो एटोमिक गैस की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो सभी प्रेशर, कोई भी प्रेशर कोई भी टेम्परेचर पर, मोनो एटोमिक गैस, ध्यान रखना, मोनो एटोमिक गैस की सभी प्रेशर और टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कॉन्स्टेंट।